स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं दादर स्टेशन, किसी काम से आए हैं। आपको बताते हैं वो काम क्या है। ब्लॉग पे बने रहिए, मज़ा आएगा। किस काम से आए आपको एंड तक जरूर बताएंगे। और नीचे का कुछ मॉल दिखाऊंगा, ये बैक कैमरे से आपको नीचे का मॉल दिखाता हूँ। मार्केट लगी है तो ये कुछ दादर का मॉल है। भीड़ देख रहे हो कितनी है। वो देखो उन आंटी ने मास्क ही नहीं लगा रखा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें मास्क नहीं लगा रखे हैं। कैमरे में बहुत कम डिटेक्ट करेगा। तो बने रहिए वीडियो ब्लॉग पे, आगे भी बात करेंगे, मज़ा आएगा। किस लिए आए बताएंगे। ये देखो हम लोग प्लेट, इसे कहते हैं दादर। मार्केट लगी है तो अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अभी आगे जाएंगे और आगे भी दिखाएंगे आपको। पहले तो मार्केट देखो, मास्क देखो, लगाना जरूरी पड़ा। अभी हम बैठे हैं टैक्सी में, जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। क्यों जा रहे हैं एंड बताइए। अभी दादर मार्केट में अब बहुत भीड़ है यार। ये देखो इस टाइम सारी गाड़ियाँ भर भर के जाती हैं सब्जी मार्केट, लोकल सब्जी मार्केट, बड़ी सब्जी मार्केट, सब यहीं से लग भर के लेके जाते हैं दादर से। कपड़ों की भी मार्केट है, सब चीज़। हेलो, हाँ बस टैक्सी में है। ये देखो जय महाराष्ट्र, जय हो महाराष्ट्र। सुबह का टाइम है इसलिए रोड खाली है। सामने से दिखाना तो बता देखो तो जैसा है। गाड़ी से ना जाने का मेन प्रॉब्लम यह है, मेरे को पार्किंग नहीं मिलेगी जल्दी से, या तो फिर लोचन का ज़्यादा डर रहता है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी सब ओल्ड टाइम के, बल्कि नया बॉम्बे, पुराना पुराने बॉम्बे में जाएंगे ना, बॉम्बे में तो ऐसे ही मिलेगा सब। लोग आए थे हॉस्पिटल डोज लेने के लिए, वो कौन सा डोज था आपको आगे पता चलेगा। कंटिन्यू बने रहिए। तो इसके बाद के जो नज़ारे हैं वो एंजॉय करिए। हम लोग हैं हिंदुजा हॉस्पिटल और अभी हम लोग शिवाजी पार्क से बाहर निकल रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पे। तो जो वाइट देख रहे हो वो है बतख, टक डक 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 बतख। देखो लाइन से तो हम लोग गए थे बूस्टर डोज लेने के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल। तो अभी तक तो ठीक है, इसका अपडेट कल देंगे 24 घंटे पूरा रेस्ट करके कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वीडियो बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल करके जाइएगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग। तो अभी मेरे को वैक्सीन लगवा के अराउंड 2 घंटे हो गए, अभी तक तो अब सही ठीक है। आपको कल सुबह इसके बारे में बताऊंगा कि कैसा, अभी हाथ में पेन वगैरह कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, एकदम फर्स्ट क्लास फिट हूँ मैं। बट तो भी मैं जहाँ दादर गया था वहाँ पर मार्केट इतनी थी कि भीड़ इतनी थी, बहुत ज़्यादा भीड़। मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे वो ही जाने, लगाना चाहिए वैसे तो। तो अभी तक तो सब ठीक है। इस वीडियो को हम कल एंड करेंगे और आपको कल का अपना एक्सपीरियंस पूरा बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। एक मिनट, तो कल सुबह इसका एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा, कल सुबह और शाम को अपडेट दूंगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ये वैक्सीन जो मेरे को तीसरा वैक्सीन लगा है मैं उसका आपको सर्टिफिकेट भी शो करूँगा। कहाँ से लगाया वो नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा सा सीक्रेट है। किसने लगाया वो भी नहीं बता सकता। हाँ, कौन से कहाँ पे लगा वो बता सकते हैं, जिस क्योंकि मेरे को भी किसी ने दिलवाया है तो नाम नहीं बता सकता उसके लिए सॉरी सर। और चैनल पर नए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा और
अगर आपको मिलता है तीसरा डोज तो लेना चाहिए, बट कम्प्लीटली याद रखिएगा कि आपको 6 मंथ 9 मंथ होने चाहिए तो ही आप लें, वरना तो वैसे भी मिलेगी नहीं जल्दी से। मिलते हैं कल, वीडियो को एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने मास्क लगा रखा है तो भी, यहाँ कोई नहीं सकते तो भी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जुकाम है थोड़ा सा। तो आज बूस्टर लेके 5 दिन हो चुका है, सब एकदम परफेक्ट है, मज़ा आ गया लेके। जिस दिन लिया था 2-3 घंटा सोया था बस, उसके बाद कुछ नहीं। और अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर लें, और इससे ये नहीं कि आप मास्क लगाना भूल जाए, बूस्टर लेके आपको मास्क भी लगाना है। तो घर के काम भी मैंने बहुत से किए हैं, अपना शूट भी कंप्लीट किया है, और अभी मैं कहीं काम से ही गया था अपने, थोड़ा सा जॉब से लेकर रिलेटेड। और अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए। और अगर आपको बूस्टर मिलता है तो ले, और अभी बच्चों को भी मिलना स्टार्ट हुआ है जो 18 से लेके, तो उनको भी दिलवा दीजिए अगर आपके आसपास है तो, क्योंकि ज़रूरी है अभी, फिर ये ऐसी महामारी फैलती जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।